कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। केक लेके जा रहा है। ये देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते काफ़ी सही होंगे। और आज है 5 सितंबर और अभी फ़िलहाल आज कल हम आए थे, मतलब कल रात में रुक गए थे 16 नंबर हॉस्टल में और अभी सुबह सुबह जा रहे पीजी पे। और जिम भी नहीं जा पाए क्योंकि सुबह उठ नहीं पाए जिसके कारण, तो अभी तो मेरे को निकलना है पीजी पे। 7:30 हो गए, मेरे को खाना भी बनाना है, तो 1 घंटा में देखते क्या क्या होता है। और तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब हम पीजी पहुँच चुके हैं, 16 मिनट के में पहुँचे पीजी। और बहुत ही मतलब कल लेग लगाए थे जिसके कारण बहुत दर्द भी हो रहा था पैर में, और 16 मिनट मुझे पैदल भी चलना पड़ा, काफ़ी दर्द हुआ। और अभी रूम आए हैं तो मेरे को खाना भी बनाना है। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं क्लास और आज है टीचर डे और अभी शिवानी मैम अंदर आने वाले हैं, तो उनको भी विश करना है टीचर डे के लिए। और अभी देख सकते हो ये चीज़ मेरे क्लास में पैसा मतलब सारे लोग से इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि टीचर डे बनाना है इसकी वजह से। ये देख सकते हो पीछे सारे मैम और आज बहुत ही धूमधाम से टीचर डे मनाना है मेरे को, पूरे क्लास वाले मिलकर टीचर डे मना रहे हैं। और आइए मिलाते हैं अनिकेत जैसे पीछे अनिकेत बताएगा टीचर डे क्यों मनाया जाता है। बताओ टीचर डे क्यों मनाया जाता है ये बताओ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिकेत कुमार और मैं आपको अपने सौजन्य से बता रहा हूँ कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बहुत पुराने हमारे एक रह चुके हैं महान कलाकार सर्वपल्ली जी, राधा कृष्ण जी, डॉक्टर सर्वपल्ली। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी अय्यर। हाँ, तो उन्हीं के याद में उन्हीं के लिए हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। वो राष्ट्रपति बना था। सर्वपल्ली राधा कृष्ण जो थे उनको चिकन खाना था तो एक स्कीम चलाए थे उस टाइम में। तो क्या स्कीम चलाए थे, वो बहुत ही बड़ा घोटाला किए थे। जितने भी मतलब स्टूडेंट लोग थे वो अपने एक पार्टी का गठन किए हुए थे और हाँ उसमें स्टूडेंट से पैसा उछल कर रात में चिकन पार्टी करते थे वो लोग, उसी के बाद तो वही रहा पे अभी हम लोग चल रहे हैं। मैं अनिकेत कुमार, मेरा सहपुत्र रमन आगे जाके जो चिकन का जो नेम था वो फेमस हुआ हम लोग के पास, चिकन KFC जब रेस्टोरेंट चल रहा है इसी वजह से लॉन्च हुआ। वो पहले इंडियन था, वो सब गुर्गा कहाँ टपक गया तो ले लिया। आज चलेगा पार्टी, चिकन पार्टी, चिकन भी दारू। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं केक लाने के लिए और ये देख सकते हैं पीछे सारे अपने क्लास से निकल चुके, 4-5 बंदे केक लाने के लिए, जो कि अब कब केक कटना है अभी लंच के बाद। लंच के बाद कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग टीचर डे मनाने जा रहे हैं इसीलिए अभी केक कट लेने जा रहे हैं। लंच के बाद माहौल जमेगा। लंच के बाद साधना मैम आएगी। साधना मैम नहीं, साधना मैम बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। साधना मैम नहीं आएगी तो केक नहीं कटेगा आज। सच में मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं साधना मैम को क्योंकि काफी अच्छे हमारे मैक्सिमम सेक्शन डी का वो फेवरेट टीचर है और भाई बुलाने का सारे टीचर को बुला लेंगे। आज नहीं आएगी तो टीचर डे कल मने सेलिब्रेट कल होगा। अरे वो थोड़ा सा वो नहीं आए
बट उनको सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि पिछले बार वो आए थे और बहुत अच्छा लगा टीचर है, यानी बहुत सारे हेल्प करते हैं हम लोग को। और अभी देख सकते हैं कि हम लोग मेन गेट से बाहर जा रहे हैं केक लाने के लिए, और फिलहाल अभी मुलाना या हो सकता है इधर से ही यूनिवर्सिटी साइड से ही केक ले लेंगे। किधर क्या तुम्हारा चेहरा दिखा है, ले हाँ ये मनीष डॉन हो गया है भाई, इसको फ्लेवर वाला केक लेंगे भाई। तो इसमें खाली रहेगा तब तो खाली रहेगा तब तो बैठेगा। ये इसमें लिखा हुआ केक कैफे एंड क्रंच, देखते यहाँ पे कैसा केक है। फिलहाल अभी चल रहे अंदर, और अभी आ रखे हैं दुकान पे केक लेने के लिए, टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, अभी आपको केक दिखाते हैं। ये देख सकते हो यही केक मैंने एक ऑर्डर किया है पूरे क्लास वाले मिलकर, और अब केक लेकर पहुंच चुका है डिपार्टमेंट, देख सकते हो गेट के पास आ चुके हैं। और ये रजनीकांत केक लेके जा रहा है कोई दिक्कत अभी देख सकते हो केक काटने के लिए टेबल लेके जा रहे हैं सारे लोग क्लास में, ये देख सकते हो। और ये मैम भी आ चुके हैं, और ये मेरे कैसा है भाई और ये मंजीत भाई मैम आ गए ना, और बाकी बुला लो। हैप्पी टीचर डे मैम। और अभी क्लास में सारे लोग पहुंच चुके हैं, और ये कविता देवी, कविता हाय हेलो करो ना। और ये मेरे हिमांशी, और ये ऋतिक, और ये रवि प्रकाश, और इधर बैलन सारे लोग खुला रहे। पंखा सर लेकर अटेंडेंस मशीन लेकर किधर, और ये सामने देख सकते हैं कि अटेंडेंस हो रहा है, सारे लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं। तू कहाँ बे, दूर हो जा, हाँ दूर हो तू। और अभी देख सकते हैं सेकेंड ईयर वाले की मस्ती, इन लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं। दिखाना इधर फेस दिखाना
किसका बर्थडे था? रिया किसका बर्थडे था? लगाना मत, लगाना मत, लगाना बोले यार, लगाने के लिए नहीं बोले। अरे वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आइए भैया। अरे आइए ना यार। और ये इधर पार्टी चल रहा है, ये देख सकते हो इन लोग केक ला रखे हैं, छे के अभी सारे बच्चे को दिया जाएगा, सारे बच्चे को माहौल देख सकते हो। अब जा रहे हैं अपनी क्लास। हाय गाइस, देखिए लोग, देखिए ठीक है। और थोड़ा हिमांशी से बातचीत करते हैं, ये देख सकते हो पूरा प्लेट ही हिमांशी का हो गया है। कितना खाती है? मानती है मेरे को, खिलाएगी क्यों नहीं है वो। ये देखो कविता, कविता खाने पर लगी हुई है फिर भी। और ये देख सकते हो मेरा जो हाल है, मेरी मानसी की है। और अभी मानसी का हाल ये मैंने किया है, बहुत ही मतलब इतना है। और अभी देख सकते हो मेरा चेहरा, अभी बाथरूम से आए हैं पूरा अपना क्लीन करके। और ये जो महारानी है ये मेरे को पूरा गंदा कर दी थी। और आज टीचर डे था, टीचर डे मनाने के अलावा ये देखो फिर से इसके साथ पता नहीं क्या करे, फिर से भिगा दी है। चल चेंज ही करना, जाके चेंज करा। तो वो तो ठीक है, टीचर डे था, टीचर डे मनाती। और अभी हम पहुंचे हुए सेमिनार हॉल में, सेमिनार में दिखाते हैं अभी क्या हो रहा है। बहुत सेमिनार हॉल में मस्त याद आ गया, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हमारा ओरिएंटेशन था, तो
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही गिनती, नन्ही गिनती जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखियां जब समुद्र में गोताखोर लगाता है, रह रह कर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उठता इस हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So that's all from my side, thank you. आप पहुंचने वाले पीजी, तो आज की ब्लॉगिंग हम इधर ही खत्म करते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।